प्रश्न पूछिए फास्ट। हाँ जी गुरु जी, मैं कह रही थी नारायण कवच पढ़ती हूँ तो लास्ट में ये क्यों लिखा है कि जो पुरुष आदर पूर्वक से पढ़ता है और स्त्री उसमें क्यों नहीं है? ना ना, देखो नारायण कवच में ऐसा नहीं लिखा। जो नीचे ये लाइन जोड़ी गई है ये किसी ने हिंदी लिखने वाले ने लिख दी कि जो उसमें लिखने वाले ने ये गलत लिख दिया। बाकी नारायण कवच ओरिजिनल उसमें कहीं नहीं लिखा ऐसा कि जो पुरुष पढ़े या स्त्री। मैं यहाँ से लेके गई थी वो ना, लिखने वाले ने लिखा है इसमें स्त्री पुरुष का कोई नहीं है, पढ़ो जो यह पढ़े। एक प्रश्न और है कि पहले मैं हर जगह भगवान के देखती थी, हर जगह मैं आई प्रश्न उत्तरी में बोली, जब से मैं सब तरफ बताई तब से मुझे भगवान ना स्वप्न में आते हैं ना उनको बार बार छवि देखते हैं, ये इसका कारण क्या है गुरु जी? जब भी भगवान को आप देखते हैं स्वप्न में तो उनका अनुभव किया करो, उसे बताया ना करो, बताने के बाद फिर वो नहीं आते। ठीक है गुरु जी। और एक प्रश्न और है कि अपना सपना तुलसी को सुनाओ, तुलसी महारानी को, या तो अपना सपना स्वयं अपने अंदर रखो। ठीक है। कोई जैसे विशेषकर जब भगवान को देखो ना सपने में, तो जो छवि देखो से मन में बसाओ, उसका आनंद लो, बताने के बाद ना फिर वो सपने आने बंद हो जाते हैं। मतलब भगवान के दर्शन जो स्वप्न में होते हैं फिर नहीं होते, होते हैं बाद में, लंबा टाइम हो जाता है। गुरु जी मैं जन्म नहीं लिए थे तो महाभारत भारत का नाम था, अब जब से मैं जन्म ली हूँ, आपका दीक्षा ली हूँ, आपका ज्ञान ली हूँ, तब से इस भारत का नाम मैं बदलूंगी महान भारत, क्योंकि मेरे इस भारत में गुरुदेव आए हैं और महाभारत के महान भारत कर दिए। मेरे पड़ोस में ही आपका कितना भजन, कितना चालू भजन और कथा चालू है, ये बताऊंगी तो भी कम पड़ेगा। जितना घर घर देखती हूँ तो आपका कथा भजन। अच्छा। तो ये महान भारत आप बनाए हैं। नहीं नहीं, महा हमारा भारत तो महान है ही, महान भारत में ही हम सबका जन्म हुआ है। हमारे देश में इतने ऋषि मुनि महापुरुष हुए, भगवान आए, इसलिए हमारा देश महान है। गुरुदेव जी आप बहुत अच्छे हैं, तभी तो इतने भक्त आपसे जुड़ रहे हैं। राधे राधे गुरु जी, आप मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। खुश रहिए। ज्ञान के द्वारा नारायण जाने जाते हैं, ज्ञान के द्वारा मेरे गुरु जी जाने जाते हैं। खुश रहिए। मैया बैठो मेरी माँ, ये भैया कोई बात कराना, आप बात कर लो। राधे राधे गुरु जी। जी मैं दिल्ली से आई हूँ, आज पहली बार आपके आश्रम में, और आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गई। बस मेरा ये एक सवाल है कि मैं जिसको सबसे ज्यादा इज्जत देती हूँ, सबसे प्यार से बोलती हूँ, वही मेरे को धोखा देता है, वही मेरे से ढंग से नहीं बोलता, इसलिए मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है और मेरे दिमाग कौन में नहीं बोलता आपसे इज्जत से, बताओ। फैमिली वाले भी और बाहर वाले भी, जिसको मैं सबसे ज्यादा इज्जत देती हूँ। सुनो, हम आपसे बोल रहे हैं ना इज्जत से, हम अच्छे से बोल रहे हैं ना आपसे? जी हाँ, तो हम बोल रहे हैं तो हमसे सम्मान इज्जत लेके आप खुश रहो, जो नहीं देते उनसे ना लेकर आप दुखी रहते हैं। घूमती रहती, निकलती नहीं है, मैं अपने आप में हिम्मत नहीं रख पाती फिर। नहीं, अब आपको हम बता तो रहे हैं, देखो हमें अच्छा कहने वाले लोग ज्यादा हैं। आपको अच्छा कहने वाले लोग ज्यादा हैं या आपको बुरा कहने वाले लोग ज्यादा हैं, जल्दी से बताओ। आपको अच्छा कहने वाले लोग ज्यादा हैं या आपको बुरा कहने? अच्छे भी कहते हैं, बुरे भी कहते हैं। कभी आप गिनती करना, ये सबके लिए है। समाज में आपको अच्छा कहने वाले लोग ज्यादा हैं, आपको अच्छा कहने वाले लोग ज्यादा हैं, बुरा कहने वाले लोग उंगलियों में गिने जा सकते हैं। भगवान की पूजा। लेकिन अब विषयांतर ना हो, सुन लो, इसलिए आप परेशान हो, सुनती नहीं हूँ। अच्छा, भगवान की पूजा भी। अरे सुन तो लो, अच्छा कहने वाले लोग ज्यादा होते हैं। हमें जो लोग अच्छा कहते हैं तब हम खुश नहीं होते, कोई बुरा कह दे तो हम दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम बुरी चीजों को ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि हम अच्छी चीजों को ग्रहण करें। यदि हमें कोई बुरा कहे भी, गाली दे भी, तो हम उसे इग्नोर करते चले। इग्नोर याद कर लो, इग्नोर करना है उन लोगों को जो आपको बुरा कहते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, और आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे यदि अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे। इग्नोर करो गंदे लोगों को, ठीक है? अब बोलो। जब पूजा करने बैठती हूँ तो मन, पहले ये बताओ आप क्या समझे, हमने क्या बोला?
आपको क्या करना है अब से? इग्नोर करना है किसको? जो भी कुछ बोलेगा। हाँ, अब आगे बोलो। और जब पूजा करने बैठती हूँ तो थोड़ी देर मन लगता है, फिर थोड़ी देर मन भटक जाता है मेरा। कोई बात नहीं, जितनी देर मन लगता है उतना भी बहुत है। धीरे 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 थोड़ी देर। आज पहली बार आप ना एक पत्थर फेंको, जोर से फेंको, तो पत्थर ना 100 मीटर दूर गिरेगा। फिर कल भी फेंकना तो 100 मीटर से 2 फीट आगे गिरेगा। फिर परसों भी फेंकना तो फिर 100 मीटर से 5 फीट आगे गिरेगा। धीरे धीरे आपकी क्षमता ना बढ़ती है कार्य करने की, कुछ भी करने की। उसी तरह आपका मन आज नहीं लगा, कोई बात नहीं, थोड़ा आज 10 मिनट लगा है या 2 मिनट, तो कल 2 मिनट 5 सेकंड लगेगा। फिर धीरे 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 मन, आप ये मत सोचो मन तो लगता ही नहीं, लगेगा। 1 घंटा आप बैठे, 1 घंटे में यदि 1 मिनट भी मन लगा और बाकी समय नहीं लगा, तो ये मान लो कि 1 मिनट जो लगा है, 1 दिन के अभ्यास से 1 मिनट लगा, तो 2 दिन के अभ्यास से 2 मिनट लगेगा, 3 दिन के अभ्यास से 3 दिन। ऐसे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास ही नहीं तो कौन थे वैराग्येण च गृह्यते। करने से, प्रैक्टिस करने से सब होता, अभ्यास से सब हो, धीरे धीरे आएगा। ठीक है, ठीक है, खुश।